अस्सलाम वालेकुम. ओके, लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लिपिड परऑक्सीडेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है. कोई मसले की बात नहीं. जितना मैं बताऊंगी, इफ़ यू डू दिस यू कैन गेट इजीली फुल मार्क्स इन एनी लॉन्ग क्वेश्चन और SEQ एंड यू कैन ऑल्सो डू द MCQs. अच्छा, लिपिड परऑक्सीडेशन होती क्या है? सबसे पहले परऑक्सीडेशन क्या होती है? जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन मीन्स द आइदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एटम. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम कर दें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दें, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दें, उसे हम नॉर्मली ऑक्सीडेशन कहते हैं. बहरहाल इतना ज़्यादा नहीं घूमते हम, सिर्फ इतना याद रखते हैं कि लिपिड परऑक्सीडेशन ये है कि लिपिड्स में से इलेक्ट्रॉन्स को चोरी कर लेना, इलेक्ट्रॉन निकाल लेना. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिपिड से निकाल ले तो फ्री रेडिकल बन जाता है. फ्री रेडिकल क्या होता है? कोई भी ऐसी स्पीशी, जो कोई भी ऐसा एटम जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. सपोज मेरे पास ये ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन जब मैं ऑक्सीजन 2 की फॉर्म में होता है तो इसमें टोटल होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, 8-8 दोनों एटम्स में होते हैं. अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो इसके पास रह जाएंगे ऑक्सीजन के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें से बाकी सब इसने पेयर किए होंगे, एक जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में रह जाएगा. तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ये मैं ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर रिप्रेजेंट करूंगी और ये बताएगा कि ये एक फ्री रेडिकल है. फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है. जैसे ही उसे कुछ मिलता है तो वो उसके साथ रिएक्ट करके अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेते हैं, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन अकेला रखना पसंद नहीं है. देन अगर हम लिपिड्स में से इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को चोरी कर लें, ऑक्सीजन आए और वो लिपिड में से एक इलेक्ट्रॉन चोरी करके ले जाए अपने इस्तेमाल के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड लिपिड परऑक्सीडेशन. अब जाहिर है जब लिपिड में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो लिपिड तो अनस्टेबल हो जाएगा, और लिपिड्स तो हमारी मेम्ब्रेन बनाता है. तो अगर हमारी मेम्ब्रेन ही अनस्टेबल हो जाए तो कितना ज़्यादा मसला हो सकता है. नाउ लेट अस गो थ्रू द टॉपिक. बहुत आसान है. पहले सबसे डेफिनेशन ऑफ लिपिड परऑक्सीडेशन, इट इज़ द ऑक्सीडेटिव डीजेनरेशन ऑफ लिपिड्स. ठीक है, यही मतलब मैंने जो आपको बताया कि लिपिड है हमारे पास और लिपिड में से हमने ऑक्सीडेशन करवा ली, यानी हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा लिया और उसे हमने अनस्टेबल कर दिया, यानी हमने उनमें से एक इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चोरी कर लिया. और ऑक्सीडेशन क्यों कहा? क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मली आता है और वो इलेक्ट्रॉन उसमें से चोरी करके ले जाता है. ठीक हो गया. अब जब उसने इलेक्ट्रॉन चोरी करने के सबसे ज़्यादा चांसेस कम होते हैं, जो हमारे पास है ना पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो अनसेचुरेटेड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा उनमें ही होती है परऑक्सीडेशन. वजह क्या होती है? उनके दरमियान में डबल बॉन्ड होते हैं और उसके आसपास होते हैं ऐसे मिथाइलिन. ये मिथाइलिन ब्रिज होता है. ये मिथाइलिन ब्रिज में जो हाइड्रोजन एटम है ना, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इंतहाई रिएक्टिव होते हैं. इस वक्त तो ये पेयर्ड फॉर्म में है, लेकिन कोई भी अनपेयर्ड अगर स्पीशी आएगी, स्पेशली कोई भी ऐसी चीज़ आएगी जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये, तो इसके पास आएगी, इससे इलेक्ट्रॉन चोरी करके ले जाएगी, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर करके खुद खुशबाश रहेगी, इसको कर देगी अनस्टेबल. तो ये जो पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास है उनमें ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, मिथाइलिन ब्रिजेस, जो बहुत रिएक्टिव होती हैं, और इनसे अक्सर औकात चोरी कर ली जाती है और फिर ये अनस्टेबल होकर खुद रोती रहती हैं कि क्या हो गया. तो ये लिपिड परऑक्सीडेशन है. अब ये पूरा एक चेन मैकेनिज्म होता है, जिस तरह हर एक ऑक्सीडेशन का एक चेन होता है कि पहले इनिशिएशन होगी, फिर प्रोपेगेशन होगी, फिर उसका रुक जाना ही टर्मिनेशन होगी. अब इनिशिएशन दो तरह से हो सकती है, ये मैंने लिखा है. पहले तो ये कि मेरे पास ये एक फैटी एसिड है, आर कोई भी उसकी चेन और ओ एच है उसका, मैंने लिख दिया मतलब जनरल फॉर्मूला. कोई भी एक मेटल आएगा जिसके पास एक खुद जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. ठीक है, मेटल को चाहिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉन उससे किसी तरह, या फिर मेटल को सॉरी हाइड्रोजन एटम चाहिए. ठीक है, मेटल को चाहिए कि एक हाइड्रोजन मुझे दे. तो ज़ाहिर है मेटल्स हमेशा हाइड्रोजन की तलाश में होते हैं. ये क्या करते हैं? अब यहाँ पर इस तरफ क्या हुआ है, इस जो हमारे पास फैटी एसिड है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए आपस में. जब ये मेटल इस इलेक्ट्रॉन को इधर से हाइड्रोजन को चोरी करके ले जाएगा तो हाइड्रोजन साथ अपना इलेक्ट्रॉन भी ले आएगा. जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा तो इसके पास जो ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन के साथ, अब ऑक्सीजन बच गया एक इलेक्ट्रॉन के साथ. इसका मतलब ये जनरेट हो गया हमारे पास फ्री रेडिकल विच इज़ हेयर आर ओ ओ डॉट. ठीक है, डॉट से फ्री रेडिकल. एक ये तरीका है जनरेशन का. दूसरा क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी में ना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं. वो क्या होती हैं? कोई भी ऐसी ऑक्सीजन वाली स्पीशी होगी, सपोज ये है जिसके, या फिर ये कर लेते हैं, चलिए आसान है एग्जाम्पल यही देना आप लोग भी. OH है जिसके पास एक ऑक्सीजन कम है, उस पर डॉट मैंने शो किया है. ये नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. अब ये ढूंढ रही है ताड़ में कि कोई मुझे मिल जाए जिससे मैं ले लूँ इस इलेक्ट्रॉन को और मैं अपनी कमी को पूरा करूँ. इसे क्या नज़र आता है? इसे ये वाला पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नज़र आता है जिसके पास एक मिथाइलिन ब्रिज है और मिथाइलिन ब्रिज हाईली रिएक्टिव है. सपोज ये मैंने उसे रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, ये हाइड्रोजन मिथाइलिन ब्रिज का ये मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ये आर सारी चेन है उस फैटी एसिड की और हाइड्रोजन मिथाइलिन ब्रिज वाला. ये OH आते हैं, देखता है, कहता है बड़ा अच्छा मौका है, इसकी तो हाली रिएक्टिव भी है, मैं इसे चोरी कर सकता हूँ. फटाफट वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और इसे खींच के अपने पास ले आते हैं समेत इस इलेक्ट्रॉन के. ये बनता है इधर H और H और एक O कंबाइन करके वाटर बनाते हैं,
खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं वाटर के फॉर्म में. उधर पीछे ये बेचारा मरा हुआ जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, ये हो जाते हैं अनस्टेबल और इस पर आ जाते एक डॉट, फ्री रेडिकल बन जाता है. अब हमारी मेम्ब्रेन भी अनस्टेबल होगी. ये इनिशिएशन थी. प्रोपेगेशन कैसे होगी? ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना है, जब याद रखना प्रोपेगेशन का रूल है, कभी भी कोई भी फ्री रेडिकल जो बने, अगर वो किसी भी नॉन फ्री रेडिकल स्पीशीज से एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, नॉन फ्री रेडिकल जो कि फ्री रेडिकल ऑलरेडी नहीं है, तो हमेशा एक और फ्री रेडिकल जनरेट होगा. ये बेशक रट लेना बात कि एक फ्री रेडिकल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो अगर एक ऐसी स्पीशीज से रिएक्ट करे जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमेशा वो एक रिजल्ट में एक और फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन. ये यही बात यहाँ पर हो रही है कि वो हमारा जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, वो एक नॉर्मल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक और फ्री रेडिकल स्पीशी जनरेट कर देता है. देन लेकिन आखिरकार किसी ना किसी जगह टर्मिनेशन भी तो आनी है. तो टर्मिनेशन कब होती है, ये रिएक्शन ख़त्म कब होता है, ये भी बात याद रख लेना कि जब भी एक फ्री रेडिकल एक और फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है, यानी दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो तब हमेशा जो रिजल्ट बनता है वो एक प्रॉपर अच्छे वाला मॉलिक्यूल बन जाता है, जो कि फ्री रेडिकल नहीं होता, स्टेबल मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और स्टेबल हो गए, जैसा कि ये है. लेकिन अब ये वाला मैंने कहा कि प्रोसेस में जब टर्मिनेशन आ रही है, तो फिर हमने कहा कि लिपिड को मसला क्या है, टर्मिनेशन भी तो हो जाती है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टर्मिनेशन तब होती है जब अच्छे खासे फ्री रेडिकल्स जनरेट हो चुके होते हैं, अच्छा खासा मसला हो चुका होता है, उसके बाद जाके जब बहुत ज़्यादा ये आपस में होते हैं, फिर कहीं ये मौका आता है कि ये आपस में कोलाइड करें और जाके टर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन करें. तब इतने फ्री रेडिकल जनरेट हो चुके होते हैं कि मेम्ब्रेन अच्छी खासी ख़राब हो चुकी होती है. ये लिपिड जहाँ पर भी था, जहाँ भी उसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, सपोज कोलेस्ट्रॉल था, वो टूट फूट चुका होता है, तब जाके टर्मिनेशन आती है. तो ये पूरा तरीका है इसका, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन का. देन अब हमारे पास इसमें तरीका क्या है, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है हम लोगों ने पढ़े हैं. एंटीऑक्सीडेंट वो जो इस सारे रिएक्शन को ख़त्म करते हैं. दो तरह के होते हैं, एक प्रिवेंटिव होते हैं. प्रिवेंटिव का मतलब है वो रिएक्शन होने ही नहीं देते, वो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होने देते. वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं कि जो हमारे पास मैंने कहा था ना कि ये हर टाइम प्रेजेंट है बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो आने के तैयार हैं किसी भी सैचुरेटेड फैटी एसिड पे हमला करने के लिए, वो इन फ्री रेडिकल्स को ही ख़त्म करके रिएक्शन होने नहीं देते. वो प्रिवेंटिव होते हैं, उनके नाम मैंने लिखे हुए, कैटालेज है, ग्लूटाथायोन है, वगैरह वगैरह. दूसरी होती हैं चेन ब्रेकिंग, जो कि दरमियान में आते हैं और इस प्रोपेगेट होने वाली चेन को आके तोड़ देते हैं. वो कैसे तोड़ते हैं, जितने फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे होते हैं ना, ये इनको वो न्यूट्रलाइज करते जाते हैं. जैसे जैसे फ्री रेडिकल ख़त्म होते जाएंगे, मामला सही होता जाएगा. तो ये हमारे चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिनमें विटामिन ई भी आता है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज आता है. तो दिस इज़ होल लिपिड परऑक्सीडेशन. इसको आपने लिखना इसी तरह, आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने लिखना है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, वजह मैंने बताई मिथाइलिन की. फिर आपने बताना है कि इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन कैसे होती है. देन आपने लिखना है कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के दो तरह के हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और आखिर में हार्मफुल इफेक्ट्स बेशक बता देना, जो मैंने आपको बताया भी है कि जहाँ लिपिड होगा वहाँ पर लिपिड को मसला हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, इन्फ्लेमेशन या जो कुछ भी है, वो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी. थैंक यू फॉर एनी क्वेरी यू कैन आस्क.